अब ये वाला मेल तुमको कभी ना कभी जरूर मिला होगा, और अगर मिला होगा तो तुम कहीं ना कहीं परेशान जरूर हो गए हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप सोच रहे हो कि इस नोटिफिकेशन से मेरा अकाउंट तो बैन नहीं हो जाएगा ना। देखो ये मेल अभी नहीं आया तो मेरे अकाउंट में, तो कभी ना कभी जरूर आएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन तुम परेशान जरूर हो जाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और आज तक के मन में जितने भी तुम्हारे डाउट होते कि इस मेल के आने के बाद मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा क्या, या फिर मेरे अकाउंट के साथ क्या कुछ हो सकता है। बहुत सारे बंदे के मन में ये डाउट जरूर होता है कि ये वाला नोटिफिकेशन आने के बाद, ये मेल आने के बाद हमारा अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा सीएस रैंक बैन हो जाएगा, या फिर कुछ लोग सोचते हैं हमारा अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाएगा, या फिर कुछ बंदे सोचते हैं कि हमारे अकाउंट पे कुछ समय के लिए एक टाइमिंग लग जाएगा जिसको बोलते हैं हाफ बैन आईडी। ठीक है ना, मतलब उस पे टाइमिंग आपको दिखेगा, उतने दिन के बाद उतने टाइम के बाद तुम्हारा अकाउंट वापस खुल जाएगा। तो ये सब जितने भी डाउट है चलो इसको देख लेते, एक एक करके बता देते आखिरकार फ्री फायर वालों ने ये सिस्टम बनाया है क्यों है। ये ओनर स्कोर करके एक सिस्टम है, ये फ्री फायर वालों ने आखिरकार बनाया है क्यों है, इसका क्या काम है। देखो बहुत सारे बंदे सीएस रैंक लगा दिए, स्टार्ट कर दिए गेम को, और गेम को बीच में ही बैक कर दिया। अभी तुमने भी गेम स्टार्ट किया, ऑटो मैच हो गया, और रैंडम बंदे से तुम्हारा मैच मेकिंग वो लोग कर दी। अभी देखो तुम अपने रैंक के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा रैंक पुश करते हो, और बहुत अच्छे से खेलते हो। अब तुम्हारा अच्छा खासा रैंक पुश हो रहा था, लेकिन बीच में ऑटो मैच स्टार्ट करने की वजह से रैंडम एक ऐसा बंदा आ गया जो बीच में गेम को बैक कर लिया, और तुम अब अकेले बच गए, मतलब तीन बंदे बच गए। तो अब तुम क्या कर सकते हो, अब इसकी वजह से रैंक तुम्हारा माइनस। उसने तो गेम बैक कर लिया, लेकिन भुगतना तुमको पड़ेगा, मतलब माइनस तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम तीन बंदे मिलकर चार को कैसे मारोगे। अभी कुछ कुछ बंदे तो दो तीन बंदे एक साथ माइनस मतलब हटा लेते, गेम ही बैक कर लेते, या फिर कट कर देते, या फिर उसका इंटरनेट चला जाता है, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब कुल मिला के बात करें तो वो बंदा ऑफलाइन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, तुमको भुगतना पड़ता है, माइनस तुम्हारा होता है। फ्री फायर वालों ने सोचा कि भाई बहुत ज्यादा ये तो गलत है, मतलब गलत बात है यार, क्योंकि कोई भी बंदा इतना मेहनत कर रहा है तो उसको माइनस कैसे करवा दे रहे ये लोग बैक वेक करके। ठीक है ना, उसके लिए ये लोग एक ऑनर स्कोर लाए। देखो ऑनर स्कोर क्या होता है, सबसे पहली बात बीआर रैंक में जो भी बंदे माइनस बैक करते हैं अपना गेम, उसमें फ्री फायर वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया है अभी फिलहाल। ठीक है ना, लेकिन वहां भी रिपोर्ट करते हो तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब इफेक्टिव क्यों होता है वो मैं तुमको बताता हूँ। इसमें जो बंदे सीएस रैंक खेलते हैं ना, उसके लिए बहुत फायदे वाली बात है। अब बीआर रैंक वाले के लिए भी फायदे वाली बात है, चलो एक एक करके मैं तुमको समझा देता हूँ। देखो जो भी बंदे बीआर रैंक खेलते हैं और माइनस मतलब वो बैक कर लेते अपना गेम, ठीक है, और तुम ऑटो मैच में स्टार्ट कर दिए, तब तुम उसको रिपोर्ट करोगे। जैसे तुम मर जाओगे तो उसको रिपोर्ट करोगे कि यार इसने बैक कर लिया था। फोर्स क्विट का एक ऑप्शन होता है, मतलब AFX और फोर्स क्विट, इस तरीके का बहुत सारे ऑप्शन वहां पे रहता है। तुमको जो मन है वो वाला सेलेक्ट करके उसको रिपोर्ट कर दिया, ठीक। फिर उसके मेल में एक दो घंटे बाद उसके मेल में एक नोटिफिकेशन आएगा कि तुमने गेम बैक किया था, अब तुमको एक पेनल्टी भरना पड़ेगा। अब पेनल्टी क्या भरना पड़ेगा, उसका ऑनर स्कोर माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी माइनस हो गया तो उसका अकाउंट में अब क्या होने वाला है, क्या उसका आईडी बैन हो जाएगा, ये क्या होगा उसके अकाउंट के साथ, तो ये थोड़ी देर में मैं तुमको बता दूंगा। सेम इसी तरह होता है क्लैश स्क्वाड रैंक में। अब देखो जो भी बंदा क्लैश स्क्वाड रैंक खेल रहा है, उसने अपना गेम बैक कर लिया, अब तुम ऑनलाइन हो, अब तुमको लग रहा है कि ये बंदा बैक कर दे अब मैं हार जाऊंगा, तो उसको भी तुमने रिपोर्ट कर दिया। अब उस बंदे के पास एक से दो घंटे के अंदर एक मेल रिसीव होगा, उसमें लिखा होगा कि तुमने गेम बैक किया था, अब तुमको एक पेनल्टी भरना पड़ेगा, जिसके कारण उसका ऑनर स्कोर माइनस कर दिया गया। तो अब ऑनर स्कोर होता क्या है, सबसे पहले ऑनर स्कोर के बारे में समझ लो। ऑनर स्कोर एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्लेयर को एक तरफ फायदा होता है, दूसरी तरफ घाटा होता है। अब देखो फायदा क्या होता है, फायदा ये भी जो भी तुमको रिवॉर्ड दिख रहा है ना, ये फ्री में तुमको मिलेगा हर 7 दिन के अंदर, ठीक है। अभी देखो घाटा क्या होता है, घाटा होता है कि तुम्हारा सीएस रैंक बैन कर दिया जाएगा। सबसे पहला घाटा यही है कि सीएस रैंक बैन कर दिया जाएगा अगर तुम्हारा स्कोर 90 से नीचे गया। अब देखो 90 से नीचे कब जाता है, एक गेम में हो सके तो आपका 4 से 5 माइनस हो, या फिर हो सकता है 8-10 माइनस भी हो सकता है। तो तुम्हारा ये पे डिपेंड करता है कि कितने रिपोर्ट आए हैं, ठीक है ना। अगर चारों बंदे ने रिपोर्ट कर दिया तो तुम्हारे यहाँ पे 10 तक माइनस हो सकता है, अगर एक ने रिपोर्ट किया तो 4 माइनस होगा, 4, 3, 5 ऐसे करके माइनस होता है। सबसे पहला डिमेरिट यही था कि तुम्हारा सीएस रैंक बैन हो जाएगा, अभी वो अनबैन कैसे होगा, वो ऑटोमेटिक अनबैन हो जाता है, ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ बंदे सोच रहे होंगे कि सिर्फ सीएस रैंक ही बैन होता है तो मैं हैक यूज कर लेता हूं। देखो हैक यूज करोगे तो आपका परमानेंटली बैन हो जाएगा, बिना नोटिफिकेशन बिना ईमेल दिए हुए फ्री फायर वाले परमानेंटली बैन कर देंगे तुम्हारे अकाउंट को, ना ही वो लोग ईमेल भेजेंगे ना ही कोई नोटिफिकेशन भेजेंगे, फिर रोते रहना इधर। अभी दूसरा देख लेते, दूसरा में तुमको सीएस रैंक के बाद यहां पे तुम्हारा स्कोर ही माइनस होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। अब जो भी बंदे बार बार सोच रहे थे कि मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा इससे, स्कोर
स्कोर माइनस होने के बाद, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा स्कोर कभी माइनस होगा लेकिन तुम्हारा आईडी कभी भी बैन नहीं हो सकता इससे, ठीक है ना। आईडी बैन नहीं होगा, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम बार बार माइनस करवाते हो तो आपका सीएस रैंक बैन हो जाएगा और साथ ही साथ तुम्हारा स्कोर जो भी है माइनस होगा तो तुमको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसमें यही था और कुछ भी नहीं है। ये बैन वैन का सीन कुछ भी नहीं है, कितना भी माइनस करा लो तुम्हारा अकाउंट बैन नहीं होगा। लेकिन देखो, अगर जिसको भी मेल रिसीव हो गया, जो भी बंदे को ये वाला मेल आ गया कि तुमको रिपोर्ट किसी ने किया था, तो तुम्हारा इस तरीके से ऑनर स्कोर माइनस हो जाएगा। तो देखो, करना क्या है, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं। सबसे पहले ये बात जान लो कि तुमको ये मेल आता कैसे, क्यों आता ये मेल। मेरे को नहीं आया, मैं बहुत बार गेम बैक किया हूं लेकिन मेरे को मेल नहीं आया था, नहीं तो मैं शो करके तुमको बता देता इस तरीके का मेल आता है। अब देखो, मेल क्यों आता है और किसको आता है। अगर तुम गेम खेल रहे हो, चाहे वो सीएस हो, रैंक हो या फिर क्लासिक हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, सब में रिपोर्ट का ऑप्शन फ्री फायर वालों ने दे रखा है। जो भी बंदा अगर रिपोर्ट करना चाहेगा तो आराम से तुमको रिपोर्ट कर सकता है। तो ये आखिरकार आता कैसे, अगर तुमने गेम बैक कर लिया और तुमको कोई रिपोर्ट नहीं किया, तुम्हारे प्लेयर की बात कर रहा हूं, अगर उसने रिपोर्ट नहीं किया, तुम्हारे फ्रेंड ने, तो तुमको ये मेल नहीं आएगा। और अगर तुमको रिपोर्ट कर दिया है, तुमने गेम बैक कर लिया है, फिर तुम्हारा नेट खराब है और तुमको उधर कनेक्शन लॉस्ट का ऑप्शन उसको दिखाई दे रहा है, तो वो अगर तुमको रिपोर्ट करता है तो तुमको ये वाला मेल जरूर से शो करेगा। अब इसका बचने का उपाय क्या है, तुमको अपने फ्रेंड से बोलना है जिसके साथ खेलते हो कि भाई रिपोर्ट मत किया करो, और अगर रैंडम के साथ खेलते हो तो तुमको रिपोर्ट करेगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शन तुमको दिखेगा, एक तो है अपील का और दूसरा यहाँ पे क्रेडिट स्कोर चेक करने का। तो अपील तुम कर सकते हो, अगर तुमको लगता है कि मैं गलत नहीं था फिर भी मेरा स्कोर रिपोर्ट की वजह से माइनस हुआ है, तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं किया था फिर भी मेरे को रिपोर्ट गलत वाला रिपोर्ट किया गया है, तो आप अच्छे से चेक कर लो और फिर मेरा अगर गलत निकले तो स्कोर डिडक्ट कर लेना, और अगर सही निकले तो वापस रिफंड मेरा स्कोर कर देना। तो यही था यार, आपको कोई चिंता लेने की बात नहीं है, मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका आईडी बैन इससे नहीं हो सकता। और जो भी स्कोर का फंडा है तो स्कोर ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना, इस तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय टेक। वैसे तो मैंने ये वीडियो एंड कर दिया लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो भी बंदे यहां तक रुक गए उनको दिल से थैंक यू। तो चलो मैं एक और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। देखो, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, क्या कॉन्फिग फाइल यूज करने से हमारा आईडी बैन होता है, तो उसमें बहुत सारे बंदे ने पूछा था, हमने एक दिन के लिए कॉन्फिग यूज किया था या फिर सिर्फ कस्टम के लिए कॉन्फिग यूज किया था या किसी भी तरीके से यूज किया था, और बहुत सारे बंदे बोल रहे थे मैंने इंजेक्टर यूज किया था। तो जो भी बंदे जिस तरीके का हैक या फिर कुछ भी चीज यूज करते हो जो कि फ्री फायर का एंटी है, तो आपका अकाउंट बैन होगा कि नहीं, ये सारे बंदे ने मेरे से सवाल किया था कि मेरा अकाउंट ऐसे में बैन होगा क्या। देखो सर, मैंने उसको उसमें बहुत अच्छे तरीके से तुमको समझा दिया था कि इस तरीके से यूज करोगे और ऐसा करोगे तो तुम्हारा अकाउंट बैन होगा। और मैं यहां भी क्लियरली बता देता हूं, अगर तुम हैक यूज करते हो या फिर फ्री फायर के एंटी कुछ भी चीजें यूज करते हो तो तुम्हारा अकाउंट बैन होगा, 100% बैन होगा। तो मेरे को इंस्टा पे बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो लास्ट में वीडियो को बता दूंगा कि किस तरीके से होता है। देखो, जो भी चीजें पूछते हो ना, सब में बैन होगा भाई, कोई नहीं बचेगा, ठीक है। तो हैक वैक यूज मत किया करो, फिर खेलो।